अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम व्यूअर्स, आज के लेक्चर में ओल्ड पेपर 2022 ग्रुप फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन y इज इक्वल टू log x टू द बेस z इंप्लाइज, मींस अगर आपके पास y इज इक्वल टू log x टू द बेस z हो तो इसको हम राइट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें log और एक्सपोनेंशियल जो रिलेशन है आपस में, उसको जानना जरूरी है। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो x टू द बेस a इज इक्वल टू y को जब हम log से हटा के लिखते हैं, यानी इसको विदाउट log लिखेंगे, तो कुव्वत में फॉर्म किस तरह बनेगी, x और y आपस में इंटरचेंज होंगे। यानी log x टू द बेस a इज इक्वल टू y का जब log हटा देंगे तो बराबर में जो वैल्यू है और जो इसकी पावर में है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो इसमें हम राइट करेंगे y को x की जगह कर देंगे और x को y की जगह कर देंगे। तो इससे फार्मूला के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखिए इसमें आ रहा है हमारा y इक्वल टू log x टू द बेस z, x और y को आपस में इंटरचेंज करवा दें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू z रेज की पावर y, यानी y जो है वो z की पावर में चला जाएगा और x जो है वो इक्वल में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बनना चाहिए। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है z इज इक्वल टू, तो z इक्वल में नहीं आना चाहिए, ओनली x इक्वल में होना चाहिए, ये भी हो सकता है, और y इक्वल टू ये भी नहीं हो सकता, x यहाँ भी इक्वल में आ रहा है, ये y वाला या z वाला ये तो हो नहीं सकते। बाकी इन दोनों ऑप्शन में से देखें, x इज इक्वल टू z रेज की पावर y होना चाहिए, इसके हिसाब से ये जो y है वो z की पावर में होना चाहिए। सो ये b ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, द कंजुगेट ऑफ 5+4 आयोटा इज, यानी 5+4 आयोटा का कंजुगेट है। तो कंजुगेट निकालने का तरीकाकार ये होता है कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है उसको चेंज किया जाता है, यानी प्लस में आ रहा हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस में आ रहा हो तो प्लस करवा देते हैं। सो ये 5+4 आयोटा का कंजुगेट बनेगा 5-4 आयोटा। सो ये -5+4 आयोटा ये नहीं हो सकता, -5-4 ये भी नहीं है, 5-4 आयोटा। देखिए यहाँ पे 5+4 आयोटा, सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट की जो अलामत है उसको चेंज करवाना होता है। तो प्लस में है तो इसको ये 5-4 आयोटा, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ये वाला भी रॉन्ग है, 5+4 आयोटा ये सेम वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ये गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो तो इसमें जो अननोन एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, यानी इस अननोन वेरिएबल एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखें सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 263x, इसका जो मक्ता है इसको जीरो के इक्वल रखते हुए, यानी डिटरमिनेंट इन अदर वर्ड मक्ता। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वत्री और कान का हासिल जरा 2 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे 2x आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 6 × 3 = 18, तो ये वत्री और कान माइनस गैर वत्री और कान, तो ये डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लीकेशन आ गई। तो इक्वल टू जीरो ये ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू जीरो रखते हुए इसको एक्स के लिए सॉल्व करवाना है। सो ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस का 18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 18 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 9। सो ये एक्स की वैल्यू क्या है, हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 9 जो है इज द राइट ऑप्शन। सो इसमें ए ऑप्शन में 9 है, बी में -6, सी ऑप्शन में 6 और डी में माइनस का 9। सो राइट ऑप्शन क्या निकाला हमने अभी, प्लस का 9 जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, 3+2 √2 × 3 − √2 इज इक्वल टू, मीन्स इन दोनों फैक्टर का जो हासिल ज़रब है वो बराबर होगा। तो देखें इसको हम भाई फार्मूला जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को राइट किया और आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में अगर आ जाए फैक्टर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू 3 का स्क्वायर और मैंने सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर राइट किया, 3 का स्क्वायर 9 और मैंने ये 2 का स्क्वायर रूट और ये कैंसिल 2 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 इज द राइट ऑप्शन। सो इसका जो आंसर आना चाहिए वो 7 होना चाहिए। सो गिवन ऑप्शन है 7-7-1, सो राइट ऑप्शन क्या आ रहा है, प्लस का 7 जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 गिवन है, HCF यानी मालूम करना है ऑफ a की पावर 3 + b रेज की पावर 3
एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज, यानी इन दोनों फैक्टर का आधे आजम है। सो सबसे पहले आधे आजम के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाए देंगे। तो ए की थ्री प्लस बी की पावर थ्री, ये फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो है मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। सो आधे आधम में क्या करते हैं, यानी एच सी एफ के लिए हम कॉमन फैक्टर लेते हैं दोनों गिवन फैक्टर्स के। सो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इन दोनों के क्या आ रहे हैं, आपस में कॉमन आ रहे हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ये इसका एच सी एफ होगा। सो गिवन ऑप्शन में हमारे पास है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला जो है सेकेंड बी ऑप्शन जो है इसका ये राइट ऑप्शन है, और सी वाला जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर ये भी फॉल्स है, और ए प्लस बी का स्क्वायर जो है ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्स इज इक्वल टू डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। देखिए इसमें जो गिवन इनइक्वालिटी है इसके हल सेट का रुकन होगा, ये गिवन ऑप्शन में से हमने बताना है, लेकिन रहना कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लिमिटेशन बता दी गई कि एक्स ग्रेटर देन माइनस टू से लेकर 3/2 के दरमियान में इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं ये किस तरह से आपको लगाना है। देखिए अब इसमें चूंकि एक्स जो है माइनस टू से थ्री बाय टू से दरमियान में है, तो एक नंबर लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, वहां से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर जीरो दरमियान से, और राइट साइड पे प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, और लेफ्ट साइड पे माइनस 1, -2, -3, -5, -6 एंड सो ऑन। सो सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू से जो है ग्रेटर है और 3/2 से लेस है, यानी ये लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए तो वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होता, यानी ये एंड वाले पॉइंट इसमें शामिल है नहीं है। माइनस टू से पहले पहले और 3/2 से भी पहले पहले, यानी इससे जो है वो आगे होगा, तो माइनस टू से लेकर 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है, यानी तो ये होगा 1 से आगे और 2 के दरमियान यहाँ पे। अब इसके दरमियान में जो पॉइंट आ रहे हैं हमारे वो है -2, -1, 0, 1, -2, सॉरी इसमें नहीं है -1, 0, 1, तो इस तरह में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें लाई कर रहा है। तो गिवन में -5, ये तो इसके पॉइंट से जो है वो बाहर है, यानी -5 जो है वो इसके सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 3/2 भी इससे बाहर है, 3 जो है अगर देखें तो वो भी इससे बाहर है, तो ये 0 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी 0 जो है वो इसके इंटरवल में यानी लाई कर रहा है जहां पे इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ ए रेज की पावर 4 माइनस 4 बी रेज की पावर 4, तो इसके फैक्टर बनाने हैं जी, इसकी जायद दरबी क्या होंगे, तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमने करना ये है कि ये जो ए रेज की पावर 4 माइनस 4 रेज की 4 बी रेज की पावर 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, इसकी पावर को ए रेज की पावर 2 को हमने 2 की फॉर्म में राइट कर दिया, 2 रेज की पावर 2 यानी 2 टू 4, इस तरह राइट कर सकते हैं, यानी ए का होल स्क्वायर बना लिया, माइनस 4 को 2 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा 2b का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये सारा एज ए स्क्वायर और ये सारा एज ए बी स्क्वायर हमने फार्मूला बना लिया। सो इसको एक बार माइनस में राइट किया, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, तो इससे जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो ये होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 4, नो ये नहीं हो सकता, ये माइनस 4 भी, ये भी नहीं हो सकता, ए माइनस 2 भी, ये भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन जो है इसका बी है, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जो है वो इसका दोनों फैक्टर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट -3, -3 लाइज इन क्वाड्रेंट, यानी ये -3, -3 जो है नुक्ता वास्तविक है किस रबा में वाक्य है। तो देखें ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये दो जो एक्सिस ले लिए हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं और प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बना रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और 4। प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट यानी एक्स वाई पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और थर्ड में दोनों नेगेटिव एक्स वाई, और 4 में एक्स कोमा माइनस वाई यानी वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से जो -3, 3 हमारा वो तीसरे क्वाड्रेंट में यानी थर्ड रबा में जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, इसके बाद द सिंबल ऑफ कॉन्कोरेंट इज, यानी मतमासल की अलामत है, ये फर्स्ट वाली तो अमूद के लिए यानी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल मतवादी के लिए है, ये इक्वल के लिए है यानी मसावी, और ये है जी कॉन्कोरेंट यानी मतमासल की अलामत जो है वो इस तरह से इक्वल का साइन डाल के ऊपर टेल्डी अलामत लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, यानी मुतशाबा मुसलसों के मतनाजरा जाविये होते हैं वो भी मतमासल होते हैं, यानी मुतशाबे मुसलसों के मतनाजरा जाविये भी क्या होते हैं, मतमासल होते हैं। नंबर 11,
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 11 इज, यानी नुकात 00 और 11 के दरमियान फासला है। तो भाई फासला फार्मूला यानी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व किया, ए 11 है, बी हमारे पास 00 है। भाई डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करके टू इसका स्क्वायर लेना है, प्लस सेकंड में से सेकंड, यानी एक्स वाला एक्स से माइनस किया और वाई वाले पॉइंट को वाई वाले पॉइंट से माइनस किया और स्क्वायर लेकर इसका स्क्वायर रूट राइट करना है। तो 1-0 होल स्क्वायर प्लस 1-0 होल स्क्वायर, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का, यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 का होता है स्क्वायर रूट। सो इसके में राइट ऑप्शन 0, 1, 2 स्क्वायर रूट 2, सो ये स्क्वायर रूट 2 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश, यानी मुसलस के वस्तानीय डैश होते हैं, हम नुकता, मतनासब, मतवादी, हम खात। तो मुसलस के वस्तानीय कंकोरेंट होते हैं यानी हम नुकता होते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो, मुसलस के वस्तानीय एक दूसरे को डैश की नस्बत में कता करते हैं, 1:4, 1:3, 1:2, 1:1। सो ये 1:2 की फॉर्म में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी ये जो फार्मूला है रकबा निकालने का, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये किस शक्ल का है, मुसलस का, मुस्ततील का, मतवाजिल इजला, मुआयन का। ये मुस्ततील का जो रकबा है वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई जो है रकबा निकालते हैं मुस्ततील का इस फार्मूला से। लास्ट ऑप्शन है 15, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, यानी किसी मुसलस के इजला के अमूदी नासफ होते हैं, मुसलस के इजला के अमूदी नासफ क्या होते हैं, यानी तनासुब में होते हैं, हम नुकता होते हैं, हम खात अमूद, ये भी क्या होते हैं, हम नुकता कॉन्कोरेंट होते हैं, हम नुकता होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।